आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 8 चतुर्भुज और प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 से पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, तो बताया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC को कोण A को विकर्ण AC कोण A को सम द्विभाजित करता है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें AC विकर्ण है जो इस कोण A को सम द्विभाजित कर रहा है समान भागों में। तो बताना है कि कोण C को भी ये सम द्विभाजित करता है, मतलब जो AC है ये कोण C को भी सम द्विभाजित करता है। आगे हमको ये भी बताना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज का मतलब होता है सभी भुजाएं क्या होती है, उसकी बराबर होती है, ठीक है। तो कुल मिला के सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखेंगे दिया है करके। तो क्या दिया है हमको, तो दिया है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। जिसमें क्या दिया है, तो जिसमें विकर्ण AC कोमा कोण A को सम द्विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, A को सम द्विभाजित करता है। अर्थात आप इतना बता सकते हैं कि ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये कोण क्या है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नामकरण कर दीजिए, क्या इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चाहे तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ। तो देखो कोण P जो है वो बराबर है कोण Q के, ये हमको दिया है और दिया है, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम भी दे दीजिए, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना हो गया, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब एक बात आप देख रहे होंगे बहुत लिखने वाला हो गया है, तो लिखने वाला कुछ नहीं है, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है हमको, तो दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला तो हमको ये सिद्ध करना है क्या, कि जो AC विकर्ण है वो कोण A को सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम द्विभाजित करता है। नंबर 2 पे हमें क्या सिद्ध करके देना है, कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, ABCD सम चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करके देना है, ठीक है। ठीक है भैया, करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिख देंगे, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ या प्रमाण, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, तो ये देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो भुजाएं तो समांतर है, ABC के समांतर है, ठीक है। क्या है, ABC के क्या हो जाएगी, समांतर है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि AD जो है वो समांतर है BC के। अब अगर AD जो है BC के समांतर है तो क्या हो जाएगा इसमें, तो समझिए, आपने देखा होगा Z आकृति ये वाली, इसमें जो है जैसे ये तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखाएं होती है, इसमें ये जो कोण बनते हैं Z में आमने सामने, मतलब इधर और इधर, मतलब विपरीत साइड में, ये बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो देखो यहाँ पर बन रही है, अगर हम बात करें ये, तो ये Z आकृति बन रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, और इस तरफ से ये Q और R S ये बराबर है। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो Q और S बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण S। रीज़न आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्या दे दोगे रीज़न, तो ये एकांतर कोण है, ठीक है। क्या है, ये एकांतर कोण है, और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम फिर से देखेंगे, तथा करके लिख दीजिए। अब AB रेखा DC के समांतर है, ठीक है, क्या बताएंगे कि AB समांतर है, CD या DC कुछ भी लिख दीजिए चल जाएगा। तो अब अगर ऐसा है तो P जो है वो R के चला जाएगा इक्वल, है ना, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। तो क्या बता देंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, और रीजन में फिर से लिख दीजिए एकांतर कोण, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3 नाम, ठीक है। क्या दे देंगे, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, तो अब आपको बस इतना करना है कि लिखोगे आप समीकरण 1, 2 व 3 से, क्या 1, 2, 3 से, तो वो समझ लीजिए। देखो कोण P कोण Q के बराबर है, कोण P कोण Q के बराबर है, ठीक है। कोण P R के भी बराबर है, मतलब कि ये AC के बराबर में चलेगा, ठीक। इसमें Q जो है S के बराबर है, तो Q के बराबर में S भी आ जाएगा। तो भैया चारों कोण एक दूसरे के बराबर है, तो क्या कोण R कोण S के बराबर नहीं होगा, तो हो जाएगा। और अगर R S के बराबर चला गया, तो ये जो AC विकर्ण है कोण C को क्या करता है, सम द्विभाजित करता है, समान भागों में बांटता है। तो क्या हो जाएगा, कोण R इज इक्वल टू कोण S, सही है।
लिख देंगे। अतः ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। आ गया समझ में आपको, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड में हमको सिद्ध करके देना है कि जो ए बी सी डी है वो समचतुर्भुज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर टू डाल दीजिए आप, और अब क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो आर है वो एस के बराबर है, और पी जो है वो भी एस के बराबर है, तो हम लिख देंगे ना पे कोण आर बराबर कोण एस चूँकि करके, तथा कोण पी बराबर कोण एस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा रीज़न दे दीजिए क्या, कि कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस, और यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए आप कि जो है ये सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा सा रीज़न दे दीजिए आप, ठीक है। इस रीज़न को देने के बाद क्या, अलग अलग में आपको बहुत कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, सिद्ध कर चुके हम, ठीक है, कि भाई ये चारों एंगल जो है आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये कहाँ सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पे कर चुके हैं हम इन समीकरणों में, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध किया हुआ है तो जो आर बराबर एस हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि आर जो है वो पी के इक्वल है, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी आप देख लीजिए, तो ये रहा त्रिभुज ए बी और सी, क्या देख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी और सी में। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो ये ए बी भुजा है ये बी सी के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि पी एंगल एस के बराबर है, फिर से सुनिए, एंगल पी एंगल एस के बराबर है, और सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, या समान कोण की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। पी के सामने एस है ना, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना क्या, कि ए बी बराबर क्या लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी, क्या लिख देंगे, ए बी बराबर पी सी। रीजन दीजिए, समान कोण या सम्मुख कोण, समान कोण की भुजाएं, ऐसा लिख दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, समान कोण की भुजाएं, ये आपने बता दिया यहाँ पे। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर चार दे दीजिए, ठीक, इतना आपका हो गया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो देखो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ए बी डी सी के बराबर हो जाएगी, और ए डी बी सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हम बता देखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए बी बराबर है डी सी, और जो ए डी बराबर है वो बी सी के, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ए डी डी सी। सुनिएगा फिर से, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ए बी बराबर डी सी, ठीक, और ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको समीकरण पाँच दे दीजिए, इसको समीकरण छः दे दीजिए, ठीक। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे, देखो ये सिर्फ त्रिभुज के लिए यूज हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखो समझना, ए बी जो है, यहाँ से समझना, ए बी बराबर है बी सी के, ठीक, ए बी किसके, बी सी के बराबर, बी सी किसके बराबर है, तो बी सी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और यही ए बी वापस डी सी के भी बराबर है, ये डी सी के भी बराबर है, तो हुआ ना ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर डी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी ए डी है ना यहाँ पे, तो ये ए डी हो जाएगा, ए डी बी सी के बराबर है। तो हो गई आपके चारों भुजाएं ए बी बी सी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और ये भी डी सी के बराबर है, कहने का मतलब चारों भुजाएं घूम फिर के बराबर हो जा रही है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण चार पाँच और छः से, समीकरण चार पाँच व छः से क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, और चारों भुजाएं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समचतुर्भुज है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये। तो इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो होता जा रहा है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में 10 से 15 मतलब 25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप आराम से एक एक करके वीडियो पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।